आज हम हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ये काम कर रहे हैं। सामने वाले पे पैसा है पर औलाद नहीं है, तो किसी को औलाद सुख देना बहुत अच्छी चीज है। आई एम डॉक्टर नैना पटेल, गायनेकोलॉजिस्ट हु गॉट ट्रेन्ड फॉर IVF एंड सरोगेसी। When we started surrogacy, the first thing is how the surrogate gets pregnant. So when the surrogate comes to us and we say you have to take care of a baby, she thinks there is virtual living baby whom she has to take care of, and then we counsel her. The genetic material is not from the surrogate or her husband. We collect the eggs from the infertile lady and the sperm from the husband, and in the laboratory we fertilize it and create embryos. It is implanted in a womb of another lady who is the surrogate lady, with the condition that she'll carry this baby for 9 months and after the delivery hand it over to the intended parents. That is the surrogacy arrangement. एक दो बार मैंने डोनर का किया था, बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा व्हाट इज दिस सरोगेसी, तो उन्होंने समझाया पर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने नेट पे देखा, सब सर्च किया तो पता चला सरोगेसी गलत चीज नहीं है। अभी यहाँ पे पगार कम होता था, अभी ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं तो काम तो कुछ अच्छा तो मिल नहीं सकता। मैं जब भी सरोगेट बनी वो मेरी एक जेठानी थी ना, उसने मेरे को बोला कि अब जाओ, पैसा भी कम है, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। 2016 में आई थी और ये सेकंड टाइम है। मेरा बचपन तो बहुत खराब था। पहले मैं जब आई तो हस्बैंड को नहीं बोल के आई थी, वो ना कुछ काम करते नहीं है और शराब पी के घूमते रहते हैं। किराया देना पड़ता है, लाइट बिल देना पड़ता है, बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। कितनी महंगाई थी तो कोई 100 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं थे। और मेरी सहेली ने बोला कि आपको सरोगसी करनी है, तो हमने सोचा कि चलो ये काम कर लेते, तो फिर ये काम कर लिया सरोगसी में। अभी मुझे ट्विंस बेबी है। मैंने 10th क्लास तक स्टडी की हुई है, बहुत जल्दी हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरा 10th का रिजल्ट आया था, 17 ईयर में मेरी डॉटर भी हो गई थी। हस्बैंड आउटलाइन में था, हम दोनों की उस वजह से झगड़ा लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठाया था कि तुम गलतियाँ कर रहे हो फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और मुझ पर हाथ उठा रहे हो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसलिए फिर मैंने मेरी बेटी का फ्यूचर बनाने के लिए मैंने वहाँ से डिवोर्स ले लिया। मेरा ससुर, इसको कैंसर हो गया तो मेरा हस्बैंड भी पीने लग गए। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, लेवर भी खलास हो गया है और मेरी छोटी लड़की को इधर गांठ हुई थी और दोनों बाप दिक्री हॉस्पिटल में। जितने मेरे पास पैसा था इतना खर्चा तो कर दिया था। उसको 10वीं तक पढ़ाया मेरी बेटी को, 1 साल का नर्सिंग करवाया मेरी बड़ी वाली को भी। क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हुई तो मैं काम नहीं कर सकती खाने के लिए? पर मुझे प्रॉब्लम थी इसलिए मैं सरोगेट बन गई थी। सब लोग बताने लगे कुछ होता नहीं है, दवा से होता है, इंजेक्शन से होता है। मैं को चलो जो भी होना है हो जाएगा, भगवान का नाम लेके मैं तो निकल गई। पहली बार जब अपन जाते हैं ना, ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, तब हमको आमने सामने मिलाते हैं मैडम कि ये तुम्हारी सरोगेट है और ये तुम्हारी पार्टी है। जब मेरी सरोगेसी हुई तब वो कपल इंडियन US थे। बेबी होने के बाद भी मुझे अच्छी तरह से रखते थे और अभी भी मेरी इनसे बात होती है। बेबी के मदर हैं, उनसे तो मेरी पर डे बात होती है फ़ोन पे। खुद की बेटी हो या खुद की बहन हो, उस तरह से हर चीज़ का वो मुझे ध्यान रखती हैं। कोई भी दिक्कत हो तो तुम आधी रात को फ़ोन करना, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। ये लड़का है नहीं लड़की है। मैं एयरपोर्ट रखने भी गई थी अहमदाबाद में, ये बच्ची छोड़ नहीं रही थी तो उसकी माँ ने क्या किया, मेरा पूरा उठना निकाल दिया, देख मारिया भी आ रही है। और मेरा उठना दुपट्टा भी साथ में लेके गई, देख मारिया है इतनी पास में है अपनी। यहाँ रहने की, खाने की, सोने की हर चीज़ की व्यवस्था है। मैं यहाँ पे पार्लर का भी सीखती हूँ, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट वाली टीचर आती है उनके पास भी बैठती हूँ। कोई भी एक्टिविटी होती है मुझे उसमें करने में बहुत इंटरेस्ट है। घर पे इतनी परेशानी रहती है कि घर का चलाएंगे, हम खाएंगे या बच्चे को खिलाएंगे। इधर जितना हमारा ट्रीटमेंट होता है ना, हम खुद घर पे कर नहीं सकते कि हम कुछ ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है ला के खाएंगे, और इधर तो हमको सब कुछ मिलता है। सब कुछ देते हैं वहाँ तो, कैंटीन लगा है वहाँ, टाइम सर खाना आ जाता है, दूध ना चाय नाश्ता सब कुछ। और मेरे को ट्विंस था भी, ट्विंस बेबी थी तो 1 लाख ज़्यादा मिलता है। 4 लाख तो फिक्स होते हैं और 1 लाख ज़्यादा मिलता है, 5 लाख मिले थे। तीसरी बैट ले गए भी नहीं। अभी बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ, इधर से हमको स्कूल बैग मिलता है बच्चों के लिए, फिर बुक्स मिलती है, और हम लोग को इधर आने के बाद हमारा जीवन बीमा भी खुलता है। और हम लोग घर पे नहीं खोल सकते, हमारी इतनी ताकत नहीं है खोलने की। अगर हमको इधर जाने के बाद हमारे पास पैसा नहीं रहेंगे, घर मकान हमने ले लिया और बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, अगर हम मैडम को बोलेंगे तो मैडम हमको थोड़ी हेल्प करती है।
You have to take care of the surrogate, the baby, the couples, and you have to keep answering them. So for me, I felt that it would be a few cases down the line and I'll stop it. But then when I saw each and every couple, that how desperate they were and only surrogacy was the answer, and those surrogate ladies who want to volunteer to become a surrogate, I thought I should continue. Sometimes somebody has criticized you so badly, either on the digital media or somewhere in the newspaper. Medical fraternity also played a very negative role, because initially they also felt that why this, you can't do this, it's something inhuman, you are selling babies, and then the media giving the name like baby factory, baby selling. You felt like giving it up, that why should I be doing all this? But then there is some power in you which says that no, you have to do it because science has advanced. I had never done it behind the closed doors. I had come out right in the open from day one that this is what I'm doing. This is what the surrogate is getting paid. This is what the couple is being charged, and these are the lovely babies. This is the way to go ahead, because this is the way some people are meant to have a baby and some people are meant to change their lives.